हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भाई, आज हम लोग बात करेंगे मारुति की स्विफ्ट के बारे में। और आप सब जानते होंगे वो मॉडिफिकेशन की बाप है ये कार। मतलब जो भी चाहो आप, जैसे मॉडिफिकेशन करना इसमें आप कर सकते हो अपने साइड से कस्टमाइजेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। या आप देख रहे हैं गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, गाड़ी का सामने का लुक आप देख पा रहे होंगे। तो बात करें गाड़ी की विड्थ की, तो वो आपको मिलती 1735 mm की। और बाकी गाड़ी का लुक काफी शानदार है, काफी स्पोर्टी कार लगती है देखने में। तो देखते हैं गाड़ी में आपको सामने मिलता है मारुति का लोगो जो कि क्रोम में दिया हुआ है। और बाकी ऐसी मिलती है आपको इसमें ग्रिल, जिसमें आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है पूरी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया हुआ है पियानो ब्लैक का इसकी ग्रिल में। और बाकी ऐसी मिलती है आपको उसकी हेलोजन बेस्ड हेडलाइट, जिसमें आपको मिलता है इंडिकेटर साथ में ही। और बाकी फॉग लैंप की आपको हाउसिंग मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो उसको इंस्टॉल करवा सकते हो कंपनी से। बाकी ये इसका VXI वेरिएंट है, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता है आपको। और बाकी ऐसा दिया है गाड़ी का पूरा लुक फ्रंट का, आप देख सकते हो। और बाकी एक बार कार लेने के बाद आप जो कुछ भी चाहो बाहर से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। बाकी सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, देखते हैं साइड में क्या क्या मिलता है। तो ये रहा गाड़ी का ORVM, जिसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी पूरा ये बॉडी कलर दिया हुआ है, इसको आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट के लिए अंदर स्विच दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। और बाकी ऐसा है गाड़ी का फेंडर। और ये रहा गाड़ी का टायर, इसका साइज आपको मिलता है 165/80 R14, मतलब कि 14 इंच के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। और बाकी इसमें आपको व्हील कैप्स लगे हुए मिल जाते हैं क्योंकि इसका VXI वेरियंट है। और बाकी ये रहे गाड़ी के डोर हैंडल्स, बॉडी कलर दिए हुए हैं। नीचे आपको ये साइड स्लाइडिंग लगी हुई मिलती है, सॉरी डोर प्रोटेक्टर्स को बोलते हैं, या फिर डोर बीडिंग बोल सकते हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। और बाकी आप चेकआउट कर सकते हो ये पीछे वाला डोर हैंडल जो कि ऊपर दिया हुआ है और काफी स्पोर्टी लुक आता है इसकी वजह से। और बाकी भाई गाड़ी के लुक काफी शानदार है, आप चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी में खाली सेफ्टी छोड़ के बाकी आपको सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी सी कमजोर है, इसको लोग टीन का डब्बा नाम से बदनाम भी करते हैं। बाकी ऊपर आपका एंटीना मिलता है नॉर्मल सा, और ये आप चेकआउट कर सकते हो पूरी। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। तो मैं पहले आपको बता दूं, गाड़ी पीछे से काफी बेसिक मिलती है आपको। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहले आपको मिलता है मारुति का लोगो सेंटर में, और बाकी ऊपर आपका ये देखते हैं पीछे वाली विंडस्क्रीन, जिसमें भाई कोई भी डिफॉगर और वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता इस वेरियंट में। और यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लाइन मिल जाता है ऊपर। और बाकी ऐसा लुक है, यहाँ आपको स्विफ्ट का बैच मिलता है क्रोम के साथ में 3D। और बाकी ऐसी हैं गाड़ी की टेल लाइट्स, ये आप चेकआउट कर सकते हो, ये काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में, ये आपको मैट्रिक्स में मिलती हैं। बाकी इसमें आपको इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिल जाती है। और बाकी इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। और बाकी ऐसा लुक्स है पूरा। और ये रहे पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। बाकी नीचे मिलता है उसके नंबर प्लेट का ऑप्शन। और बाकी आपको गाड़ी में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो पूरा नीचे का हिस्सा। आप देखते हैं फ्रेंड्स गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल। तो भाई ऐसा कुछ लुक है इसका लेफ्ट हैंड साइड से, आप देख सकते हो एकदम सिमिलर है साइड भी, और लुक्स काफी स्पोर्टी है कार के, आप देख लो उसको हर एंगल से। मतलब गाड़ी काफी प्यारी लगती है, आप कहीं से भी देखोगे, मतलब एक कॉम्पैक्ट सी और अच्छी डिजाइन है इसकी कार की। बाकी यहाँ आपको फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी भाई कैपेसिटी है 37 लीटर्स की। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ओपन करते हैं इसका डोर, और ऐसा दिया है गाड़ी का डोर पैनल, आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, जो कि पूरा ब्लैक आउट दिया हुआ है। और बाकी यहाँ आपको डोर ओपन करने के लिए मिलता है क्रोम में। बाकी यहाँ मिलता है आपको ड्राइवर साइड कंट्रोल्स, ये आपके ORVM के। बाकी डोर लॉक अनलॉक और 4 आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं इसमें। और आपको ड्राइवर साइड ऑटो मिल जाता है, ऑटो अप डाउन। बाकी नीचे आपको टेक्सचर मिलता है पूरा कार्बन फाइबर का, ये आप देख सकते हो। बाकी इसको आप ग्रैब करके डोर बंद कर सकते हो। और नीचे मिलता है आपको वाटर होल्डर,
थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है इसके आसपास, और बाकी यहाँ मिलता है आपको स्पीकर। गाड़ी में टोटल आपको चार स्पीकर मिलते हैं, बाकी पूरा ऐसा दिया है डोर पैनल ब्लैक कलर का। और बात करें ड्राइवर साइड सीट की, तो इसमें आपको हाइट के साथ में रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ मिलता है आपको फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन, बाकी बोनेट अगर ऑप्शन ओपन करना हो तो यहाँ आपको नीचे मिलता है, बाकी नीचे मिलता है आपको पेडल सीनो। ये गाड़ी मैनुअल में है। और बाकी ये रहा इसका स्पोर्टी डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं कार के अंदर और बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर की। तो सबसे पहले देखते हैं सामने आपका स्टेयरिंग व्हील कार का, जो कि देखने में काफी स्पोर्टी है। और इसमें आपको मिलता है फैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, जिसमें आपको मिलता है मारुति का लुक और थोड़ी बहुत क्रोम की डिजाइन इसके स्टेयरिंग व्हील पे, और साथ ही में थोड़े बहुत सिल्वर कलर के टच दिए हुए हैं। और यहाँ मिलते हैं आपको उसके स्टेयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स, जो कि ऑडियो के हैं, और बाकी नीचे आपको मिलते हैं कॉल काटने वाटने के कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी पूरा ऐसा लुक आता है इसका, काफी स्पोर्टी लुक है। और बाकी यहाँ पे आपको साइड में मिल जाता है हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन, और बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच, और यहाँ लगती है आपकी की। और बाकी यहाँ साइड में आपको मिलता है एसी वेंट, ये आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा ब्लैक कलर का दिया हुआ है प्लेन सा, इसमें कोई क्रोम की डिजाइन नहीं है। और बाकी ये रहा इसके सेंटर वाले एसी वेंट, जो कि गोल गोल दिए हुए हैं, इसको आप बंद भी कर सकते हो और काफी प्यारे लगते हैं ये। बीच आपको मिलता है हजार्ड स्विच। और बाकी ऐसा लुक है इसके डैशबोर्ड का, यहाँ मिलती है आपको सिल्वर कलर की प्लेट, जो गाड़ी के लुक को काफी प्रीमियम बना रही है। और साइड में एक और एसी वेंट मिलता है। और बाकी सामने मिल जाती है आपको छोटी सी स्क्रीन, सेंटर में आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको भाई ऑक्स लगा के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई भी एंड्रॉइड वगैरह नहीं आता है, नॉर्मल सा खाली भी सिस्टम दिया हुआ है। और बाकी नीचे आपको मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स, जो कि सभी मैनुअल दिए हुए हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और कार का एसी भाई काफी बढ़िया वर्क करता है। और उसके नीचे आपको मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट्स, और बाकी बीच में आपको मिलते हैं दो कप होल्डर्स, ये आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये रहा इसका गियर लीवर या गियर नॉब बोल सकते हैं, जो मिलता है आपको 5 स्पीड के साथ में। और बाकी इसके सराउंडिंग्स में भी आप नीचे देख सकते हो, पूरी सिल्वर कलर की फिनिशिंग है। तो भाई आपको उसमें मैनुअली मिलता है इसका IRVM, जो कि आपको डे नाइट एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। और बाकी यहां मिलती है आपको केबिन लाइट, जो कि हेलोजन में दी हुई है। और बाकी ये रहा गाड़ी के सनसेट ड्राइवर साइड वाला, इसमें मिलता है आपको टिकट होल्डर एक। और बाकी आपको को ड्राइवर साइड मिल जाएगा वैनिटी मिरर, ये आप देख सकते हो पूरा। और बाकी यहां मिलते हैं आपको ग्रैब हैंडल्स होल्ड करने के लिए। और बाकी ये रहा गाड़ी के हैंड ब्रेक, ये आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी थोड़ी बहुत स्पेस है यहाँ पर। और बाकी भाई गाड़ी की फैब्रिक सीट्स आपको मिलती है इसमें, देख सकते हो पूरी, और ठीक ठाक कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं ये, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको। और बाकी गाड़ी की सीट्स काफी सॉफ्ट हैं। और बाकी भाई इसमें आपको मिलते हैं हेडरेस्ट, जो कि भाई एडजस्टेबल हैं और आपकी कंफर्ट को अभी बढ़ा देते हैं। और भाई यहाँ मिलता है आपको गाड़ी का ग्लो बॉक्स, ये आप देख सकते हो, ठीक ठाक स्पेस है इसके अंदर। और बाकी भाई गाड़ी का जो इंटीरियर है पूरा ब्लैक कलर का दिया हुआ है, तो देखने में काफी प्यारा लगता है और काफी स्पोर्टी लुक आता है इसके इंटीरियर का, ये आप देख सकते हो भाई। यहाँ मिलती है इसकी आपको छोटी सी MID, बीच में टैकोमीटर स्पीडोमीटर, ये आप देख सकते हो। जब भाई ये ग्लो करता है ना, पूरा रेड कलर का ग्लो करता है, तो काफी और भी प्यारा लुक आता है इसका, स्पोर्टी सा एकदम। और बाकी आप चेकआउट कर सकते हो भाई, इसका इंटीरियर पूरा काफी शानदार लगता है देखने में। अब चलते हैं फ्रेंड्स गाड़ी के सेकंड रो के अंदर, देखते हैं भाई पीछे क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई ओपन करते हैं गाड़ी के सेकंड रो, देखते हैं भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसको आपको यहां से ओपन करने पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। और बाकी ऐसा है गाड़ी का डोर पैनल, पूरा ब्लैक कलर का दिया हुआ है। यहां मिलता है आपको डोर ओपन करने का ऑप्शन, जो कि क्रोम में दिया हुआ है। और बाकी थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर, और ये आपका पावर विंडो का स्विच, बाकी थोड़ा बहुत आपको यहाँ प्लास्टिक मिल जाती है हार्ड से। और नीचे मिलता है आपको उसका बॉटल होल्डर, साथ में स्पीकर भी एक। और बाकी आप देख सकते हो पूरा इसका डोर। और चलते हैं इसके सीट्स के अंदर,
जो भाई आपको ऐसी मिलती है पूरी ब्लैक कलर की, इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाता है मगर एडजस्टेबल नहीं है, और पूरी फैब्रिक सीट्स हैं यहाँ पर भी जो आपको भाई ठीक ठाक सा कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसका इंक्लाइन एंगल भी ठीक है यार, आपको परेशान नहीं करेगा और आराम से आप बैठ सकते हो। पीछे भी आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स दोनों ही साइड, और बाकी सीट बेल्ट दी हुई हैं, और बाकी थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर है। मतलब कोई भी ऐसी वेंट पीछे नहीं मिलता है, जो स्पेस आपकी आएगी सामने से आएगी, और ना ही ऊपर कोई आपको केबिन लाइट मिलती है, खाली आपको सामने मिलती है केबिन लाइट। और बाकी आपको ठीक ठाक सा भाई लेग स्पेस मिल जाएगा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, आराम से आप पैर रख के बैठ सकते हो। और बाकी हेडरूम भी गाड़ी का बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी, काफी बढ़िया है, हैचबैक है ये मारुति की स्विफ्ट। तो भाई अब देखते हैं हम गाड़ी का बूट स्पेस कैसा मिलता है आपको, और ओपन करते हैं इसका बूट हम, जिसके लिए आपको मिलता है इसमें पीछे स्विच एक बटन सा, और बाकी इसको बंद करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ऊपर, इसको आप पकड़ सकते हो दोनों साइड से, याद देख लीजिए दोनों साइड मिलता है। और बाकी ऊपर मिलती है आपको पार्सल ट्रे, ये आप देख सकते हो पूरी ठीक ठाक स्पेस इसके ऊपर भी। और बाकी ये रहा गाड़ी का बूट स्पेस, जो आपको मिलता है 268 लीटर का, 268 लीटर्स। और बाकी इसके अंदर आपको मिलते हैं दोनों साइड हुक, बाकी कोई भी इसके अंदर बूट लाइट आपको नहीं मिलती है, ये यार कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव साइड है। और बाकी यहाँ आपको थोड़ा बहुत सामान मिलता है इसका जैक वगैरह और सब, बाकी इसके नीचे आपको मिल जाएगा स्पेयर व्हील, ये आप देख सकते हो जो आपको स्टील रिम में मिलता है। और बाकी ठीक ठाक स्पेस है इसके बूट में, मतलब एक फैमिली के लिए काफ़ी बढ़िया कार बन जाती है ये। और बाकी वैल्यू फॉर मनी मॉडल तो है ही इसका VXI। और बाकी अगर हम बात करें गाड़ी की कीमत की, तो वो आपको मिलती है 7,77,000 ऑन रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश। और ये थी इसकी स्विफ्ट VXI की बात हम लोग कर रहे थे अभी तक, बाकी आप गाड़ी के लुक चेकआउट कर सकते हो, गाड़ी देखने में काफी सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे गाड़ी के इंजन की, तो वो आपको मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर। और बात करें इसके पावर की, तो वो आपको मिलती है 89 BHP की, और टॉर्क निकाल के देता है आपको 130 न्यूटन मीटर का। और बाकी आप पूरा इंजन का चेकआउट कर पा रहे होगे, काफ़ी अच्छे से प्लेस करा गया है। और बाकी आप फिनिशिंग वगैरह सब चेकआउट कर लो, और बाकी आप नीचे देख लो इसको ढक दिया गया है नीचे से भी, मतलब कोई भी आपका रेड वेड इसके अंदर नहीं घुसेगा, और कोई भी आपकी गिट्टी अंदर नहीं आएगा, कुछ डैमेज नहीं होगा फालतू का। और बाकी बात करें इसके माइलेज की, तो वो आपको मिलती है 22 से लेकर 23-24 की निकाल देती है पेट्रोल से ही, और काफ़ी बढ़िया कार है, आप जानते हो रिलायबिलिटी और पावर के मामले में मारुति को नहीं कहना पड़ता है। और बाकी भाई गाड़ी की सेफ्टी की बात करें, तो वो आपको मिलती है गाड़ी 2-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग, जिसके ऊपर मारुति को ध्यान देना पड़ेगा यार एक दिन। और बाकी क्या बात करें आप सब जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही था इस कार के बारे में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपने देखी है मारुति की स्विफ्ट VXI, ये इसका मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।